क्या डाल दिया भैया? चटनी होती है हमारी। अच्छा, आपकी स्पेशल चटनी होती है। किस चीज़ का होता है ये मसाला? सारे सब मसाले तीन चार मसाले मिक्स होते हैं। तो लीजिए जी, हमारे ये बर्गर इन्होंने ले लिए। बर्गर वाला बना भैया? हाँ भैया, हमारे अपना स्पेशल बनता है। अच्छा, ये खुद बनवाते हैं। तो भाई, ये गुजराती वालों का स्पेशल बर्गर है यहाँ का ये। और ये इन्होंने डाल दिया जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। अमूल मक्खन डाल दिया इन्होंने शुरुआत में। शुरुआत हो गई है जी अमूल मक्खन से। ये क्या डाल दिया भैया? चटनी होती है हमारी। अच्छा, आपकी स्पेशल चटनी होती है। किस चीज़ का होता है ये मसाला? सारे सब मसाले तीन। लो जी, तो ये अब हमारा बर्गर का बेस तैयार हो चुका है। इस पे क्या डाल रहे हैं भैया? पहले हरी चटनी भैया। ये धनिया पुदीने वाली चटनी? हाँ जी, हाँ जी, ये हो गई धनिया पुदीने की चटनी, हरी चटनी। ये देखिए गाइस, एकदम ही कलर देखिए उसमें। अभी अब क्या डाल रहे भैया? ये मीठी चटनी तो भैया, इमली की। हाँ जी, इमली की। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, लाल वाली जो होती है। तो ये क्या डाल रहे भैया? ये आलू का टेस्ट होता है, खट्टा मीठा चटपटा तीनों फ्लेवर इसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या क्या मसाले होते हैं? क्या क्या मसालों का मतलब मसाले मिक्स होते हैं? खट्टा मीठा चटपटा तीनों फ्लेवर इसके अंदर। चलिए जी, ये इन्होंने डाल दिया बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया? ये अनार है। अच्छा, अनार डाला है। तो भाई, दाबेली नाम आया और वहाँ पे अनार और मूंगफली आपको नजर ना आए तो वो दाबेली इनकम्प्लीट है। ये देखिए, 40 रुपये का गाइस, खाली 40 रुपये का भी एक बर्गर है जी। जी, तो ये आपने ऊपर से क्या डाल दिया? सेव। हाँ, ये बारीक सेवियाँ होती हैं। ये डाल दिया भैया ने सेव। और ये हमारी हो गई गाइस दाबेली तैयार और फ्राई। और इसको अच्छा, इसके बाद फ्राई होगी। तो भाई, ये एक बार ऊपर से बन के फिर दोबारा फ्राई होती है मक्खन में, अमूल मक्खन में। ये देखिए, डबल फ्राई होती है ये, तभी 40 रुपये की है। और वैसे ही ये पाव भाजी और अपने पुलाव के लिए वैसे ही इंडिया में पूरे फेमस है ये। किसी से ही पूछ लीजिए, और इस जगह के पाव भाजी का नाम आता तो कहीं तो कुमार पाव भाजी का ही आता है। तो ये इन्होंने तैयार कर लिया जी। ये देखिए भाई, साइड से देखिए एकदम प्रॉपर। तो भैया, हो गया डबल सेक दिया आपने एकदम तरफ से। तो ये इसको कट कर दिया भैया ने अच्छे से। तो ये अब जाएगा हमारा प्लेट में। तो इसके साथ जाएगी लाल चटनी और हरी चटनी। ये हो गया जी हमारा तैयार। उसके ऊपर अच्छा सेव भी डालोगे? सेव डाल दिया, ऊपर से अनार डाल दिया और थोड़ी सी डालेंगे मूंगफली। मूंगफली डालते ऊपर से, ये डल गई इसमें थोड़ी सी मूंगफली। तो ये हमारा दाबेली बर्गर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ भाई। ये देखिए भाई, साइज देखिए, 40 रुपये में आपको ये बर्गर मिलेगा। स्टफिंग देखिए पहले इसकी, पूरा साइड से अंदर से कुक्ड है। काफ़ी अच्छा है, मसाला बहुत अच्छा है, अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आइए और ट्राई करिए और आप भी बताइए आपको कैसा लगा। और वर्क का मसाला इन्होंने रखा। तो तब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और तो हमारे गाइस यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें और यहाँ पे आइए और ज़रूर खाइए। ये देखिए, ये कृष्णा नगर मेन चौक पे ही है, कुमार पाव वाली वाला।